नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सभी को प्रियंका जी मीना संजय साहब संजय कंवर कंवर तो थिंक uh, लड़कियों के लगता है कोवर लगना चाहिए भाई भारती जी वेलकम एवरीबडी स्वागत है आप सभी का प्रियंका जी मीना वेलकम साथियों लक्ष्य क्लासेस के इस अनूठे प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे बढ़िया शानदार होंगे तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले बता दूं कि आपको हर अपडेट जो है वह इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी आपको इसलिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए एंड बिल्कुल जीगर साहब आपको हिस्ट्री में पीएचडी करनी है हिस्ट्री में पीएचडी नहीं होती मेरे भाई हिस्ट्री के का पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक में होती है पीएचडी खैर एनीवेज टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल जो हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्यू कोड का इस्तेमाल करके और साथ ही साथ अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो नीचे वीडियो के नीचे पिन में लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके कर सकते हैं चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज आगाज़ करते हैं देखिए हम जो हैं बिजोलिया आंदोलन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और बिजोलिया जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये एग्जाम में आएगा नहीं आ चुका है इट्स अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक बिजोलिया आंदोलन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था वह था इसका पहला चरण जो कि 1897 को अठारह को शुरू हुआ 1916 में खत्म हुआ और उसके बाद में इसका जो सेकंड फेज है वह 1916-17 से स्टार्ट माना जा सकता है जो 1927 को खत्म होगा ठीक है देखिए जब बिजोलिया में लगातार प्रयास किए जा रहे थे विजय सिंह पथिक द्वारा लगातार आपने देखा कि अखबारों में खबरें छप रही थी बिजोलिया के हालातों को छापा जा रहा था तो उस हालातों को छापते छापते आखिरकार कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है गाजगिरी और कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को अपने स्तर पर हाईलाइट किया प्रताप समाचार पत्र अभ्योदय समाचार पत्र जो हैं ऊपर माल डंका जो समाचार पत्र हैं उन सारी बातों पे थैंक यू सो मच एवरीबडी उन सारे समाचार पत्रों में जब मामला हाईलाइट हो रहा था तो उस मामले को जब ये तूल पकड़ा मामला तो आखिरकार नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उस अधिवेशन के अंदर गांधी जी को असहयोग आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी मैंने देखा लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में जो मैंने पढ़ाया उसके नीचे जस्ट कमेंट आया कि सर आप कभी तो कांग्रेस की उड़ा देते हों कभी जो है वह बीजेपी की उड़ाते हों हो, कभी कहते हो गांधी जी की उड़ाते हों कभी कांग्रेस की प्रशंसा करते हो तो भैया ऐसा है जहां प्रशंसा लायक बात होती है वहां प्रशंसा करते हैं जहाँ बुराई होती है वहाँ बुराई करते हैं इतिहासकार हमेशा कड़वा ही होता है मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि इतिहास पढ़ाने वाले मूर्ख होते हैं पढ़ने वाले समझदार होते हैं जो कभी इतिहासकार को समझ ही नहीं पाते अब मैं आपको जो है वह ये सारी जानकारी देता दे रहा हूँ एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते लगभग चौदह साल का पढ़ाने का मुझे अनुभव है अब इन चौदह सालों की ड्यूरेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वह किसी भाषा या किसी विचारधारा या फिर किसी पार्टी या किसी जाति या धर्म से संबंधित होगा मेरे लिए तो सब इक्वल है जहां तो जहां अच्छाई होगी वहां अच्छाई करेंगे जहां बुराई होगी वहां बुराई करेंगे जिस देखिए जाति धर्म पार्टी या फिर ये सारी चीजें बुरी नहीं होती उसमें जो पलने वाले इंसान हैं वो अच्छे और बुरे हो सकते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बुरी है या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पार्टी अच्छी है या बीजेपी बुरी है सब पार्टियां अच्छी हैं सब बुरी हैं क्योंकि उसमें इंसान बुरे अच्छे होते हैं सब जातियां बुरी हैं सब जातियां अच्छी हैं सभी जाति धर्म बुरे हैं सभी धर्म अच्छे हैं उसमें इंसान अच्छे और बुरे हैं न कि जातियां धर्म पार्टी समझ गए मेरी बात यहां पर मुझे किसी को पॉइंट करने की जरूरत नहीं है और आप इसको मुझे यह मत समझिए कि मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूं जब उखाड़ने पर आऊंगा तो गलतियां होगी तो बीजेपी की भी उखाड़ेंगे कांग्रेस पिग की गलतियां होगी तो कांग्रेस की भी उख, उखाड़ेंगे जहां गलती होगी वहां बात करेंगे ना ये इतिहास का काम ही होता है इतिहास के विद्यार्थी का काम ये होना चाहिए और मैंने कभी अपने आप को दूसरों की तरह कभी नहीं कहा कि मैं इतिहास का एक्सपर्ट हूं नो एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में ऊपर वाले के अतिरिक्त कोई एक्स, एक्सपर्ट नहीं हो सकता मुझे मात्र इतिहास का दस प्रतिशत ज्ञान है दस प्रतिशत और वो भी इतना है कि उसकी बराबरी करके कोई दिखा दे तो निश्चिंत रहिए आप कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कोई परिपूर्ण उसमें परिपक्व होता नहीं और न हो सकता है तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी और पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश व्यापार को चुनौती देना व्यापार को चोट पहुंचाना क्योंकि आप भी जानते हो कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स जो हिंदुस्तान में थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था ज्यादा से ज्यादा धन ऐठना पैसा ऐठना ठीक है और ये पैसा ऐठने की वजह से अगर ब्रिटिश अधिकारियों के व्यापार को चोट पहुंचाई जाए या ब्रिटिश सत्ता को व्यापार में चुनौती दी जाए ठीक है तो उस नहीं मैं शायर नहीं हूं भाई मेरे तो ब्रिटिश व्यापार को चुनौती पहुंचाई जाए तो डेफिनेटली वह घुटने पर आएगा और यही किया महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शब्द का अर्थ क्या होता है असहयोग यानी ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना विदेशी माल का बहिष्कार करना स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे लगाए गए और हर जगह पर जो है वह स्वदेशी की बात की गई विदेशी माल का बहिष्कार किया गया विदेशी माल की होलियां जलाई गई विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई और देखते ही देखते एक अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक लगभग सवा साल के अंदर चालीस हजार करोड़ का नुकसान ब्रिटिश सरकार को पहुंचाया महात्मा गांधी ने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी पूरे विश्व में ध्यान दीजिएगा पूरे विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य को कोई चैलेंज नहीं कर पाया था कोई इतनी कड़ी चुनौती नहीं दे पाया था जितनी बापू ने दी इतनी आसानी से नोटों पे फोटो नहीं लगता भाई मेरे तो असहयोग आंदोलन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहे थे और आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत में जो ब्रिटिश सिस्टम था वो ब्रिटिश सिस्टम दो प्रकार से था एक तो इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंस थे यानी ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स मतलब रियासतें जैसे मारवाड़ मेवाड़ आमेर ठीक है और ब्रिटिश प्रांत जैसे कि कलक अपने बंगाल मद्रास ये ब्रिटिश प्रोविंस जहां पर सीधा नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का तो कांग्रेस के आंदोलन जो है वो ब्रिटिश प्रांतों में होते थे न कि इन रियासतों में क्योंकि रियासतें तो अपने आप में एक स्वतंत्र देश थी और कांग्रेस वहां पर अपनी जड़ें जमाना चाहती थी तो असहयोग आंदोलन केवल ब्रिटिश प्रांतों में नहीं हुआ असहयोग आंदोलन संपूर्ण हिंदुस्तान में इवन प्रिंसली स्टेट्स में भी हुआ और इन प्रिंसली स्टेट्स में होने की वजह से ब्रिटिश व्यापार को बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा इवन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय था वॉनविल्ड उस वान्विल्ड ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि या तो भारत के अंदर यह ब्रिटिश साम्राज्य रहेगा या ये गांधी और हर जगह पर गांधी नाम की आंधी चाहिए हुई थी हर किसान नेता अपने आप को गांधी समझ रहा था धरनेबाजी चल रही थी बिजोलिया में भी चल रही थी आप सोचिए देखते ही देखते यह पूरा आंदोलन जो है देशव्यापी आंदोलन हो चुका था और असहयोग आंदोलन भी बिजोलिया की वजह से ही हुआ था इसलिए भी यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है तो आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकते हुए आप बिलीव नहीं करोगे 1922 में खुद राजपूताना प्रांत का एजीजी जिसका नाम था रिचर्डसन हॉलैंड एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल रिचर्डसन हॉलैंड खुद बिजोलिया आया और हॉलैंड जिसे आप हॉलैंड आयोग कहते हैं उस हॉलैंड कमीशन ने बिजोलिया के किसानों पर पैंतीस कर हटा दिए थे ठीक है इस तरह से इस आंदोलन में पूर्णतः अहिंसात्मक पूर्णतः असहयोगात्मक रूप से कहीं पे आपको लगा कहीं पे खून खराबा हुआ पूर्णतः अहिंसायोगात्मक पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था ये अच्छा अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है आपके भी दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए पर ऐसा नहीं है कि यार जो पढ़ा रहे हैं जैसा पढ़ा रहे हैं बस मुंह में उंगली डाल के सुनते जाओ क्रॉस क्वेश्चंस करना भी सीखो ठीक है एक बात बताओ 35 कर यदि हटा लिए गए थे हॉलैंड ने 35 कर हटा दिए थे तो आपने ये क्यों पढ़ा और किताबों में ये क्यों लिखा हुआ है कि 1927 से 1941 के बीच में इस आंदोलन का तीसरा चरण भी है इसका थर्ड फेज भी है जिसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था अरे भैया सीधी सी बात है मेरी कि बिजोलिया में पैंतीस कर हटा दिए गए मुद्दे की बात है लॉजिकल बात कर रहा हूं जब बिजोलिया में पैंतीस कर हटा दिए गए थे तो फिर इस आंदोलन में तीसरे चरण की आवश्यकता क्यों पड़ी माणिक्यलाल वर्मा को आंदोलन फिर से क्यों पड़ा करना पड़ा अब कुछ लोग कह रहे हैं जैसे जाट साहब कह रहे हैं कि साहब चौरासी कर थे और 35 ही कर हटा दिए गए तो मेरा जवाब सुनो ध्यान से एक बात बताओ आप कह रहे तो चौरासी कर है साहब और 35 कर उसमें से हटा दिए गए इतने सारे कर और है यही कहना चाह रहे हो आप? आपने जीएसटी का नाम सुना है जीएसटी जीएसटी सीएसटी जीएसटी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी मुझे एग्जैक्टली exactly आइडिया नहीं मैं कॉमर्स का विद्यार्थी नहीं हूं अनुमानित कह रहा हूं शायद स्टेट जीएसटी टी इक्कीस परसेंट और अट्ठारह प्रतिशत जो है वह सेंट्रल जीएसटी है टोटल कितने होते हैं नौ और तीन लगभग उनचालीस चालीस कर तो हम भी दे रहे हैं अभी भी हम तो आंदोलन नहीं करते भाई अगर किसी देश में रहना है ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में रहना है किसी भी समाज में रहना है तो वहां पर कर तो देना पड़ेगा ना नहीं तो फिर सरकार से आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि वो आपके लिए हाईवेज बनाएं रेलवे लाइन बिछाएं आपके लिए चिरंजीवी योजना लाए कैसे लाएंगे उनकी जेब से पैसे देंगे क्या भजन लाल जी अपने जेब से पैसे देंगे मोदी साहब अपने जेब से पैसे देंगे क्या वहाँ वहाँ क्यों जरूरत पड़ी तीसरे चरण की क्या आवश्यकता थी इतने कर तो देने पड़ेंगे एक बात बताओ आप छोटी सी बात सोचो कि पैंतीस कर हटा लिए हॉलैंड ने चाहता तो वो चौतीस भी हटा सकता था ना इकतीस भी हटा सकता था ना चाहता तो वो चालीस भी हटा सकता था ना यानी उसने वो कर हटाए जो गलत थे लेकिन वो कर रखें जो गलत नहीं थे समझ गए मेरी बात तो आखिरकार यह आंदोलन का तीसरा चरण क्यों ध्यान से सुनिएगा दिल थाम के कहीं नहीं पढ़ा आपने और ना पढ़ पाओगे इसलिए ध्यान से सुनना सवाल आ गया तो मुंह में उंगली डाल के बैठोगे वहां हो। देखो आपने शायद नाम सुना या नहीं सुना आई डोंट नो बिल्कुल इसमें से एक जिगर जो है शायद मेरे से पहले पढ़ चुके हैं इसलिए वो जानते हैं फुसारिया नाम का एक गांव है यह फुसारिया गांव जो है वर्तमान में लोगों ने पता नहीं कहां प्रेडिक्शन कर रखा है आई डोंट नो लेकिन यह फुसारिया गांव वर्तमान में उदयपुर के अंदर है उदयपुर शहर के अंदर आपने डबोक का नाम सुना होगा डबोक जो एयरपोर्ट है उसके बैक साइड में एक गांव है फुसारिया या फुसवारिया और एक गांव है वर्णी और एक गांव है वाना वर्णी वाना फुसारिया ये तीन गांव डबोक के बैक साइड में हैं कभी आप उधर गए हो तो आपको पता होगा इसके बारे में ये जो गांव है वह शक्तावतों का गांव था आपने नाम सुना होगा मेवाड़ महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह उन शक्ति सिंह के जो छोट शक्ति सिंह जो है ना उनको सबसे पहला जो ठिकाना मिला था वो फुसारिया ही मिला था फुसवारिया ही मिला था उसके बाद में वो भिंडर गए थे तो यहां पर एक ठाकुर था जिनका नाम था जयसिंह शक्तावत जयसिंह शक्तावत ठाकुर जयसिंह शक्तावत किसानों से बेगार लेता था बेगार मतलब बिना पेमेंट के काम करवाना जिसको हम हाड़ी कह सकते हैं सागड़ी कह सकते हैं यानी बंधुआ मजदूरी ठीक है तो ठाकुर जयसिंह किसानों से बेगार लेता था और यहां के किसानों ने ऊपर माल पंच बोर्ड को यहां पर इनवाइट किया ऊपर माल पंच बोर्ड को आमंत्रित किया और ऊपर माल पंच बोर्ड का सीधा सीधा सा मतलब क्या है विजय सिंह पथिक माणिक्यलाल वर्मा साधु सीता रामदास करण जैसे व्यक्तियों को यहां पर बुलाया ठीक है चूंकि विजय सिंह पथिक इस समय तक आते आते एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे क्योंकि आपको भी पता है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था ठीक है तो विजय सिंह पथिक जब यहां पर पहुंचे वे एक देशव्यापी नेशनलिस्ट नेता बन चुके थे नेशनल लेवल के नेता बन चुके थे तो जब पथिक साहब और वर्मा जी यहां पर आए और पथिक साहब ने सीधा आते ही किसानों को यहां पर कहा कि आप अपनी जमीनों से इस्तीफे दे दो जमीनों से इस्तीफे दे दो ये आंदोलन वैसे बहुत बड़ा है और बड़ा पकाऊ आंदोलन है इसमें कुछ भी हम रोमांटिक बातें शेरों शायरिया करें अपनी मर्जी से तो बात अलग है अदरवाइज कुछ भी वो हंसी मजाक वाली चीज नहीं है बड़ा सीरियस आंदोलन है ये ठीक है आते ही पथिक साहब ने कह दिया कि वो जमीनों से किसान इस्तीफे दे दो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि साहब पथिक साहब को कहा कि जमीनों से इस्तीफे मत दिलवाओ कल उठ के ऐसा नहीं हो कि पड़ोस का जो ठाकुर है जय सिंह शक्तावत यह पड़ोस के गांव से मजदूर बुलाकर खेती आरंभ करवा देगा और जो किसानों को जो दो जून की रोटी मिल रही है ना वो भी नसीब नहीं हो जाएगी वो भी बेकार हो जाएगी आप इसका कुछ उपाय करो दूसरा तो पथिक साहब आपको भी पता है इतना देशव्यापी आंदोलन लड़ा है ठीक है तो देशव्यापी आंदोलन लड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है उनमें ओवर कॉन्फिडेंट आएगा भाई थोड़ा बहुत तो ईगो आएगा कि नहीं आएगा पथिक साहब ने बिना सोचे विचारे सीधा इस बात पे अड़ गए कि जमीनों से इस्तीफे दे दो आपको क्या लगता है किसान जो है वह पथिक साहब की बात मानेंगे या वर्मा जी की बात मानेंगे ऑब्वियसली पथिक साहब की बात मानेंगे तो पथिक साहब से के कहने पर यहां के किसानों ने जमीनों से इस्तीफे दे दिए और जो ही जमीनों से किसानों ने इस्तीफे दिए तो हुआ वही जो माणिक्य लाल वर्मा ने कहा ठीक है पथिक के कहने पर पथिक के कहने पर किसानों ने जमीनों से इस्तीफे दे दिए और हुआ वही जो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था पड़ोस के गांव से मजदूर बुलाकर मजदूर बुलाकर मतलब भिंडर मंगलवार से जो है मजदूर बुलाकर जयसिंह ने ठाकुर जयसिंह ने खेती आरंभ करवा दी अपने खेतों में खेती आरंभ करवा दी और किसान पूरी तरह से बेरोजगार हो गए ठीक है अब मुझे बताओ कि किसान बेरोजगार हुए तो इसमें दोष किसका है इसमें दोष किसका है विजय सिंह पथिक साहब का तो पथिक साहब ने अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझते हुए उन्होंने इस ऊपर माल पंच बोर्ड से इस्तीफा दे दिया पथिक साहब अलग हो गए और पथिक साहब अलग होने के बाद में उनका पूरा ध्यान वैसे भी पहले उस समय बेगू आंदोलन की तरफ था और यहां पर भी उन्होंने बेगू आंदोलन पर ही अपना ध्यान रखा ध्यान केंद्रित किया ठीक है तो आप अब सोचिए कि पथिक साहब इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा वर्मा ही करेंगे आपने सुना होगा किताबों में भी लिखा हुआ है कि पथिक और वर्मा जी के बीच जमीन विवाद हुआ था ये जमीन विवाद कोई और नहीं यही है सब किताबों में लिखा हुआ कि पथिक और वर्मा के बीच में जमीन विवाद हुआ था यह वही जमीन विवाद है जो फुसारिया गांव से रिलेटेड था ठीक है अब इसका आगे वाला जो नेतृत्व है वह कौन करने वाले हैं माणिक्यलाल वर्मा ही नेतृत्व करेंगे यहां तक बात समझ में आई आपको चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन का जो तीसरा फेज है वह हम माणिक्यलाल वर्मा स्टार्ट करते हैं अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे और कहना चाहूंगा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि समस्या सिर्फ फुसारिया गांव की है ओनली फुसारिया गांव में किसान परेशान है क्या बिजोलिया में किसानों की समस्या खत्म हो चुकी है कागजी तौर पर बिजोलिया में पैंतीस कर हटा लिए गए हैं लेकिन क्या वास्तव में पैंतीस कर बिजोलिया में हट गए नहीं नहीं साहब नहीं हटे और और समस्या केवल फुसारिया बिजोलिया की नहीं है समस्या बेगू में भी है बूंदी में भी है समस्या किसानों की जो है अलवर में भी है मारवाड़ में भी है सब जगह किसान परेशान है किसान तो आज भी परेशान है और किसान ही क्या मजदूर परेशान है आदिवासी परेशान है महिलाएं परेशान है बच्चे परेशान हैं कर हटा तो दिए गए बिजोलिया में लेकिन समस्या ये भी है कि वो सिर्फ कागजी तौर पर थे शोषण करने वालों की आदत पड़ी हुई है शोषण करने की और शोषित होने वालों की भी आदत पड़ी हुई है शोषित होने की जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक ये हालात चलते रहेंगे आज भी गांवों में ऐसी जगह आप देखने को मिलती हैं जहां पर कुछ कुछ गांवों में जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं उन गांवों में आम इंसान चप्पलें पहनकर भी नहीं निकल सकता चप्पलें उतार के निकलना पड़ता है बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप सुनते आए हो जहां पर कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको घोड़ी से उतार कर पिटाई कर दी जाती है चल रहा है या नहीं चल रहा है अभी इक्कीसवीं सदी की बात कर रहा हूं मैं अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है और ऐसी घटनाक्रम हमेशा सुनने को मिलता है और ये कहां होता है गांवों में लेकिन शहरों में नहीं होता पढ़े लिखों के बीच में नहीं होता तो सभी वर्णों में ये समस्या है अलग अलग विचारधारा के लोग हैं मामला होता है इतना और तूल पकड़ाया जाता है उसका इतना लंबा खींचते उसको और अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये चीजें बंद करवाने के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था को ताक पर रखना होगा और ये चीजें जब तक चलती रहेगी ना तब तक कुछ लोग ये सोचते हैं रिजर्वेशन क्यों नहीं बंद होता कुछ सोचते हैं रिजर्वेशन बंद नहीं होना चाहिए यह सिलसिला जब तक चलता रहेगा ना वो कहते हैं ना करता एक है और बढ़ते सारे हैं तो कहीं ना कहीं बिजोलिया में भी हालात ठीक नहीं थे फुसारिया की समस्या बेगू की समस्या पूरे हिंदुस्तान में किसानों की समस्या है पूरे राजस्थान में किसानों मजदूरों की समस्या है इस कारण से माणिक्यलाल वर्मा साहब देखिए विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन से अलग होने के बाद यह बात तो तय है कि ऊपर माल पंच बोर्ड तो इस आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं होगा ऊपर माल पंच बोर्ड तो नहीं आ सकता ठीक है इसलिए एक नया संगठन जरूरी है इस आंदोलन का अगला जो नेतृत्व है वह करेगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद इस आंदोलन को समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं फिर कह रहा हूं कि आपको इंडिया की प्रोफाइल इंडिया के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए तभी यह आंदोलन समझ में आएगा ठीक है देखिए मैंने आपको कहा था ब्रिटिश शासन इस तरह का था जिसमें एक तरफ प्रिंसली स्टेट थी और एक तरफ ब्रिटिश प्रोविंस थे यानी ब्रिटिश प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स मींस रियासतें जैसे आपने सुना होगा पांच रियासतें थी हिंदुस्तान में सुना तो होगा आपने पांच रियासतें थी देसी रियासतें अब आप यहां पर यह सोचें कि जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत जैसे बंबई प्रांत हो गया मद्रास हो गया बंगाल हो गया अजमेर हो गया अजमेर भी एक ब्रिटिश प्रांत है जो सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में है ठीक है प्रिंसली स्टेट में जैसे आपने नाम सुना है मारवाड़ मेवाड़ आमेर या जयपुर बीकानेर ये सारी रियासतें हैं ठीक है समझो यहां पर देखिए अजमेर बेरवाड़ा कहां है अपने राजस्थान में और बाकी ये मारवाड़ मेवाड़ आमेर ये सारी की सारी प्रिंसली स्टेट है यानी देसी रियासतें हैं जो अंग्रेजों की मित्र हैं ब्रिटिश सरकार की दोस्त हैं ठीक है थेके? अपने आप में ये अलग देश हैं समझ गए मेरी बात अगले अपने आप में ये अलग से देश हैं तो इन देशों के अंदर सिस्टम किसका चलेगा मारवाड़ के अंदर मारवाड़ शासक का मेवाड़ के अंदर मेवाड़ शासक का जयपुर के अंदर जयपुर शासक का बीकानेर के अंदर बीकानेर शासक का हां इनकी दोस्ती ब्रिटिश सरकार से जरूर है मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है वह करी गई अजमेर में जो किसानों के लिए मजदूरों के लिए आम नागरिकों के लिए व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ती थी क्योंकि समस्या में सब थे समझे मेरी बात ठीक है क्योंकि समस्या सब जगह थी अब आपने एक चीज यहां पर आंदोलनों में अक्सर नोटिस की होगी कि जितने भी ये संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का मुख्यालय इन्होंने ले देकर कहां स्थापित किया है अजमेर में और अजमेर क्या है एक ब्रिटिश प्रोविंस है ब्रिटिश प्रांत है और ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो है उसको स्थापित करना कोई मुश्किल काम नहीं है देखो भले कैसे भी हो ये गोरे बापड़े बड़े फिर भी भोले होते थे बड़े सीधे होते थे आप जरा सोच के देखो कि किसी अलग देश में यानी अलग रियासत में अलग देश या अलग रियासत में अगर आप सोच के देखो कि वहां पर अगर इन प्रिंसली स्टेट में यानी मारवाड़ मेवाड़ आमेर में और बीकानेर में अगर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करें तो क्या वहां के महाराजा कूटेंगे नहीं ठोकेंगे नहीं जूत ठोके ठीक है और अंग्रेज ब्रिटिश सरकार भले कुछ भी हो बेचारे भोले थे सीधे थे पहली बात तो उनको समझ में नहीं आती थी भाषा आप कुछ भी हिंदी में बोलो नारेबाजी करो कोई प्रॉब्लम नहीं बस उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि आप हमारे यहां पर अजमेर में शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो बाकी अगर ये कि यह शांतिपूर्वक सभा जोधपुर में करो देखें मेवाड़ में करो देखें जूत ढोके जूत आपने देखा होगा चाहे वो जोधपुर के मारवाड़ के प्रसिद्ध नेता कांग्रेस नेता जिनका नाम आपने सुना होगा जयनारायण व्यास साहब जयनारायण व्यास साहब ने भी ले दे के कहां पर अपने संगठन बनाए और कहां पर उन्होंने आंदोलन किया अजमेर में जाकर सारे जाके अजमेर में घुस जाते थे अजमेर में या पुष्कर में आंदोलन करते थे क्यों क्योंकि अंग्रेजों को बापड़ों को पता चलता ही नहीं था शांतिपूर्वक बलि उनको मारवाड़ी में गाड़ियां दो क्या फर्क पड़ता है उनको वो तो इतना ही कहेंगे वो आर यू साइंक वो डू यू मीन अबाउट दिस बस उनको तो झगड़े बाजी नहीं चाहिए साहब ठीक है इसलिए जितने भी क्रांतिकारी संगठन है वो क्रांतिकारी संगठन आप देखोगे सारे के सारे अजमेर में स्थापित करवाए गए और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो आम नागरिकों के लिए लड़ती थी उसकी स्थापना भी अजमेर में ही थी ठीक है इसके अध्यक्ष आपने सुने होंगे सेठ जमनालाल बजाज सेठ जमनालाल बजाज इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे हम जाट आंदोलन में सेठ जमनालाल बजाज।, बजाज जी जो है ना जिनको गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है गांधी जी के चार बेटे थे वैसे ओरिजिनल तो मणिलाल हरिलाल देवदास और रामदास बापू के चार बेटे थे मणिलाल हरिलाल देवदास और रामदास ठीक है लेकिन गांधी जी इनको अपना पांचवा बेटा मानते थे क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं बजाज फैमिली से बिलोंग करते हैं ये जो बजाज बड़ी कंपनी है ना वो इन्हीं की है बहुत पैसों वाले थे ये सीकर से थे और कांग्रेस पार्टी जो इतने आंदोलन कर रही थी तो उनको फाइनेंस कौन करता था पैसा कौन देता था बजाज जी देते थे इसलिए गांधी जी के लिए पांचवें बेटे थे ये अपने आप को गुलाम नंबर फोर भी कहते थे चौथा गुलाम कहते थे इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे हम जाट आंदोलन में इनकी बात करेंगे उपाध्यक्ष बनाए गए थे उपाध्याय इनके साथ में मिलकर सचिव थे इसके माणिक्यलाल वर्मा इनके साथ मिलकर इन्होंने न केवल फुसारिया बिजोलिया बेंगू बूंदी राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन थे उनके लिए इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए और उनके हक के लिए आवाज उठाई ठीक वैसे ही आवाज उठाई जिस प्रकार से विजय सिंह पथिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवाज उठाते थे ठीक है इवन दैट मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक समाचार पत्र नाम सुना होगा आपने जिसका नाम था नवीन राजस्थान इस समाचार पत्र की स्थापना वर्धा के अंदर विजय सिंह पथिक साहब ने की थी इसी समाचार पत्र का बाद में नाम बदल दिया था जयनारायण व्यास ने जिसका नाम रखा था तरुण राजस्थान और ये अजमेर से प्रकाशित होने लगा था इस समाचार पत्र में क्रांतिकारी लेख छापे फुसारिया बिजोलिया बेंगू बूंदी इन सारे के सारे जो जितने भी लोग हैं जितने भी किसान हैं उनके जो तकलीफें हैं उनको छापा गया और तकलीफों को हाँ रामनारायण चौधरी भी थे तकलीफों को छापा गया और जब तकलीफें छपने लगी इस समाचार पत्र में बिजोलिया के हालात छपने लगे फुसारिया के हालात छपने लगे तो आखिरकार 1941 में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था टी विजय राघवाचार्य टी वी राघवाचार्य भी कहते हैं इनको इन्होंने मेवाड़ का एक स्थायी बंदोबस्त अधिकारी था लैंड इंस्पेक्टर था जिसका नाम था डेविड विल्किंस उस डेविड विलकिंस के को भेजा और भेजकर किसानों के बीच में समझौता करवाया और फुसारिया गांव के किसानों को एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करके उनको उनका रोजगार दिलवाया और इसी के साथ में यह आंदोलन समाप्त माना गया इतिहास के पन्नों में ठीक है तो आप देख सकते हो यह आंदोलन साथियों अठारह से 1941 तक 44 वर्ष तक चला है विश्व में इससे पुराना आंदोलन कोई नहीं है ठीक है यह पूर्णतः अहिंसात्मक था इस आंदोलन में हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई पूर्णतः असहयोगात्मक था हम कह सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन में से एक वर्ल्ड में इतना पुराना आंदोलन शायद ही कोई होगा इस आंदोलन में जितनी भूमिका आप देख रहे हो साधु सीताराम दास की जिन्हें बिजोलिया आंदोलन का जनक कहा जाता है बिजोलिया आंदोलन का जनक उतनी ही उतनी भूमिका विजय सिंह पथिक की भी रही विजय सिंह पथिक जिनको किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है किसानों को कैसे आंदोलन करना है यह सिखाया विजय सिंह पथिक साहब ने माणिक्यालाल वर्मा का भी योगदान रहा लेकिन साथ ही साथ इस आंदोलन में एक भूमिका तुलसी भील की भी रही ये तुलसी भील लोगों को शायद नजर नहीं आता लेकिन यह संदेशवाहक था मैसेंजर था नंगे पैर तुलसी भील साहब जो है ठेट वेरिशाल गांव से कानपुर जाते थे आप सोचिए कि कानपुर में खबरें जो छपती थी वो खबरें ले जाता कौन था वो खबरें ये तुलसी भील साहब ही ले जाते थे अन्यथा वहां तक खबरें पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था कुछ तो इतना तक कहते हैं ये थोड़ी मुझे फैकालोजी नजर आती है लेकिन कुछ इतिहासकारों ने तो यहां तक लिखा है कि सुबह रवाना होते थे तुलसी शाम तक ठेठ कानपुर पहुँच जाते थे जो मुझे थोड़ी सी बड़ी गप नजर आती है खैर जो भी हो लेकिन यह आंदोलन एक बहुत अनोखा और बहुत ही जबरदस्त आंदोलन था और बिना किसी खून खराबे के बिना किसी लाग लपेट -ला का आंदोलन जो हमेशा एग्जामिनेशन बोर्ड का फेवरेट बना रहता है खैर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत सारे आंदोलन हैं कमी नहीं है राजस्थान में आंदोलनों की बिजोलिया से चलते हैं हम नेक्स्ट आंदोलन बेंगू की तरफ देखिए बेंगू वर्तमान चित्तौड़ में है और बेंगू और बिजोलिया में काफी समानताएं हैं जैसे बिजोलिया जिसका आंदोलन अभी अभी आपने अच्छे से समझा इस बिजोलिया और बेगू में समानता पहली तो यह है कि दोनों ही जगह पर धाकड़ किसान हैं और दोनों ही जगह पर किसानों को समस्या है ठीक है बेगू और बिजोलिया दोनों मेवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं फर्स्ट क्लास ठिकाने हैं यहां के दोनों के ठाकुरों को दोवड़ी ताजीम मिलती थी दोवड़ी ताजीम ताजीम समझते हैं ताजीम दो प्रकार की होती थी एकवड़ी और दोवड़ी मध्यकाल के प्रशासन के अंदर एकवड़ी और दोवड़ी में मिलती थी मतलब जब एकवड़ी ताजीम मतलब जब ठाकुर साहब आते थे ना बेंगू के और बिजोलिया के ठाकुर साहब आते थे सलूम्बर के ठाकुर साहब आते थे तब महाराणा उनके सम्मान में खड़ा होता था खड़े होते थे महाराणा और उनके जाने पर भी खड़े होते थे उसको दो बड़ी ताजीम कहते हैं फर्स्ट क्लास को मिलती थी और एक वड़ी ताजीम मतलब उनके सिर्फ आने पर महाराणा खड़े होते थे जाने पर खड़े नहीं होते थे आप सोचिए इनका कितना बड़ा सम्मान था खैर पॉइंट पे लौटते हैं वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है तो भाई साहब बेंगू में भी बिजोलिया की भांति यहां पर भी समस्याएं थी लेकिन इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी बिजोलिया में थी पर वो देखते हैं ना देखा देखी आंदोलन करना जरूरी है साहब तो बिजोलिया में आंदोलन हो रहा है तो बेंगू के किसान पीछे क्यों रहे? अब इसकी शुरुआत होती है 1921 में एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप आपको लगता था कि पहले राजे रजवाड़ों के समय जो है वह शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी जनता परेशान थी ठीक है आपने नोटिस किया इस आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक साहब आए और उनका उद्देश्य था अपने भारत मां की आजादी करना लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बन गए साथ साथ में माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के बीच में जो फुसारिया गांव में विवाद हुआ उस फुसारिया गांव के विवाद के अंदर भी आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं यह एक तरह की पॉलिटिक्स ही थी होसारिया गांव के अंदर विजय सिंह पथिक को वर्मा जी की बात नहीं माननी है और वर्मा जी को पथिक साहब की बात नहीं माननी है घूम फिर के बात वही है तो 1921 की बात है यहां के स्थानीय ठाकुर थे अनूप सिंह अगर अनूप सिंह जी को आप अच्छा ठाकुर नहीं मानते या फिर अगर ये सोचते हो कि सारे ठाकुर बुरे होते हैं तो गलत सोच रहे हो अनूप सिंह एक निहायती बहुत नेक दिल के और बहुत साफ इंसान थे बहुत अच्छे इंसान थे अनूप सिंह की दादी का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था ठीक है अनूप सिंह की दादी का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था और ये सारे के सारे किसान जो है इकट्ठा हुए थे मैनाल के मैनाल गांव के भेरुकुंड में और उस भेरुकुंड के अंदर जब सारे किसान इकट्ठा हुए ऊपर माल पंच बोर्ड जो है वह भी इन्वॉल्व था प्रारंभ में यहां के धाकड़ किसानों पर त्रेपन कर बताए जाते हैं लेकिन ठाकुर अनूप सिंह ने 25 कर तुरंत प्रभाव से 1921 में ही हटा दिए थे लेकिन 25 कर होते हुए भी भेरूकुंड में वहां पर किसान एकत्रित हो गए माना कि स्टार्ट में त्रेपन कर थे लेकिन बाद में 25 थे और वहां पर किसान इकट्ठे हुए ठीक है और किसान जब इकट्ठे हुए ठाकुर अनूप सिंह के दादी के अस्थि विसर्जन के प्रोग्राम में तो वहां पर ऊपरमाल पंचबोर्ड भी आया हुआ था छुपते छुपाते ही सही विजय सिंह पथिक अपना हुलिया बदले हुए थे जब ऊपरमाल पंचबोर्ड आया और ऊपरमाल पंचबोर्ड के नेताओं को देखकर यहां के धाकड़ किसान भी वो हूटिंग करने लगे हो हल्ला करने लगे ठीक है ओके हो हल्ला करने लगे कि विजय सिंह पथिक को सब कहने लगे कि आप हमें भी बिजोलिया की तरह इन करों से मुक्ति दिलवाओ ठीक है अब भाई साहब बिजोलिया के किसानों को मुक्ति दिलवाओ ये सारे किसान कहने लगे तो पथिक साहब ने साफ शब्दों में यहां के धाकड़ों को कहा कि भाई देखो ऐसा है मैं तो मोस्ट वांटेड आदमी हूं और मोस्ट वांटेड आदमी होते हुए मैं खुल के सामने नहीं आ सकता मैं भी छुपते छुपाते आया हूं और वास्तव में आपको पता है उनके ऊपर फिरोजपुर षड्यंत्र केस चल रहा था सेठ अमीचंद की हत्या का आरोप का केस चल रहा था और वो वीरान मकान में रहते थे खुल के सामने आ ही नहीं सकते थे देखते ही गिरफ्तार करने का ऑर्डर था उनको तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी को दिया जाए तो राम नारायण चौधरी साहब जो कि एक प्रसिद्ध जाट नेता थे शेखावटी के जाट थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इनके साथ में इनकी पत्नी अंजना देवी ने भी किसानों की महिलाओं का उनकी सभा को संबोधित किया ठीक है अब ठाकुर अनूप सिंह को टेंशन होने लगी कि अगर पथिक साहब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ठीक है तो साहब ऐसा होगा कि सारे किसान इकट्ठा होकर जैसे बिजोलिया में इन्होंने बैंड बजाई थी ठाकुरों की मेरी भी बच जाएगी तो ठाकुर अनूप सिंह ने तुरंत प्रभाव से कर हटा लिए ठीक है और जो ठाकुर अनूप सिंह ने कर हटाए बड़ा बड़े अच्छे इंसान थे ठाकुर अनूप सिंह कर हटा दिए गए तो ब्रिटिश स्थायी बंदोबस्त अधिकारी लैंड रेवेन्यू लैंड सेटलमेंट ऑफिसर कह दो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर कह दो जिसका नाम था स्टेफर्ड ट्रेंच ये स्टेफर्ड ट्रेंच इसने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को शिकायत की कि ये ठाकुर अनूप सिंह कौन होता है कर हटाने और घटाने वाला ये बॉलसेविक समझौता है इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसको बॉलसेविक समझौता कहकर अस्वीकार कर दिया गया और तुरंत प्रभाव से ठाकुर अनूप सिंह को हटाकर नया ठाकुर बनाया गया लाला अमृतलाल को वहां के स्थानीय व्यापारी लाला अमृतलाल को बेगू का ठिकाना दे दिया गया और लाला जी ने 25 कर थे ना उसकी जगह 35 किए और 35 के बाद में त्रेपन कर टिका दिए गई बेस पानी में खरबूजा कटा सीधे बापड़े वो कहते ना देखा देखिए कभी काम नहीं करना चाहिए नहीं तो फिर कांड हो जाता है ठीक है तो बिजोलिया की भाती इन्होंने भी देखा देखी काम किया तो इनके भी समस्या आ गई और लाला अमृतलाल ने करों की संख्या बढ़ाकर वापस त्रेपन कर दी भाई साहब अब ये बॉल्सविक समझौता क्या होता है इसको भी अलग से समझने की आवश्यकता है थोड़ा इस पे भी अपन आ जाते हैं देखो बॉल्सविक चीज समझने के लिए आपको मैंने कहा ना अगर राजस्थान की हिस्ट्री समझनी है तो आपको इंडिया लेवल की हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए और इंडिया की समझनी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आनी चाहिए तभी आप समझ पाओगे देखो पूरे विश्व में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं मानी जाती हैं एक तो समाजवादी व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक होती है साम्यवादी व्यवस्था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आप बता सकते हैं इसमें से भारत में कौन सी व्यवस्था है भारत में क्या सिस्टम चल रहा है जल्दी बताइए फटाफट क्लास का टाइमिंग खत्म होने वाला है जल्दी बताइए भारत में कौन सा सिस्टम चल रहा है समाजवाद पूंजीवाद या साम्यवाद मैंने तो सुना इस क्लास में काफी इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं फिलहाल मैं इतना ब्रीफ कर दूं, बाकी मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा भारत में साम्यवाद भी हैं पूंजीवाद भी हैं और समाजवाद भी हैं भाई समाजवाद मतलब सीधा सीधा समझ लो कि सारा सिस्टम सरकारी तंत्र के हाथ में पूंजीवाद समझ लो सीधा सीधा जो है सारा शासन तंत्र सारा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में और शॉर्ट में समझो तो देश को चलाता कौन है मजदूर किसान आम नेता सॉरी आम जनता तो उसको कहते हैं साम्यवाद जहां पर शासन सारा शासन तंत्र आम नागरिकों के मजदूरों और किसानों के हाथ में हो ठीक है तो साम्यवाद का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह है रशिया चाइना ये दोनों साम्यवादी कंट्री हैं। और इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश जो हैं, वह एक अच्छे कैपिटलिज्म के उदाहरण हैं। इंडिया एक समाजवादी देश ही है लेकिन अब सब कुछ चीजें चल रही है इंडिया में भारत का उद्देश्य शुरू से समाजवाद की तरफ बढ़ना था ठीक है तो भारत पर इंग्लैंड का अधिकार है और रशिया एक साम्यवादी देश है जहां मजदूरों किसानों आम नागरिक के हित की बात की जाती है ठीक है और रशिया के अंदर एक पार्टी चलती है जो साम्यवादी पार्टी है जिसका नाम है बोल्सेविक। और उस बोल्सेविक पार्टी का नेता था व्लादिमीर इलीच इलियानोव व्लादिमीर इलीच इलियानोव जिसे आप कहते हैं लेनिन जो मजदूरों और किसानों की हित की बात करती है और इसी लेनिन को फॉलो करते थे भगत सिंह जी इस ये लेनिन फॉलो करता था मार्क्स को जिसका कहना था विश्व के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ और पूंजीपतियों से उनका हक छीन लो इसी लेनिन को फॉलो करने वाले माउत से तुंग माउत से तुंग जिससे संबंधित भारत में भी पार्टियां हैं माओवादी पार्टियां जैसे आपने नाम सुना होगा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी तो रशिया और इंग्लैंड के बीच तो बिल्कुल ही नहीं बनती और यह बात किससे संबंधित हो रही है ट्रेंच क्या कहना चाह रहा था कि मजदूरों की बात हो रही है जबकि इंग्लैंड एक पूंजीवादी देश है तो इसे बॉल्सविक समझौता कहकर नकार दिया कि हम इसको नहीं मानते ठीक है तो तुरंत प्रभाव से हटाकर नए ठाकुर लाला अमृतलाल की नियुक्ति कर दी अब यहां क्या कांड होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में